नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमने जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं, ये वीडियो सारे हमारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है और ये भी आप लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। सुबह के 7 बजे का ये बैच है। और आप जो है हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, दो हैं, मिस्टर अभिषेक और मिस्टर जितेंद्र। और देखिए हम कैसे इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इफ के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। एक क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चंस बेसिकली कुछ इंटरव्यू से लिए गए हैं। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो देखिए, सिंपल है कि मुझे ये पता करना है कि क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 16 है, क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 16 है तो मुझे जो है इसका कमीशन निकालना है जो कि है क्वांटिटी में पर क्वांटिटी 50,000, सॉरी मल्टीप्लाई 40, पर क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो इसके सिंपल आप लगाइएगा इफ का फॉर्मूला। इफ इसको सेलेक्ट किया मैंने, कैसे देन 60 कॉमा मल्टीप्लाई बाई 40 एंड यहाँ पे कॉमन 0। सिंपल है, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक बार नीचे ड्रैग करता हूँ। मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या मैं इसको विदाउट मतलब कि बिना एक्सेल की मदद, मतलब इफ के सॉरी बिना इस फॉर्मूले की मदद से क्या मैं इसकी कैलकुलेशन निकाल सकता हूं, बिना इफ की मदद से क्या मैं इसकी कैलकुलेशन निकाल सकता हूं, कैसे बताइए। नहीं है तो फिर एक और तरीका है सर, तो है ही, आपने बताया वो कोई गलत तरीका नहीं है, वो भी सही है, बट वो है कि थोड़ा सा लॉन्ग वे है। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हमने आपको बताया था कि ग्रेटर देन लेस देन जो हम करते हैं वो एक सेल्फ है, वो इसका पार्ट नहीं है, वो एक अलग ऑपरेटर है, जैसे कैलकुलेशन है, जैसे लॉजिकल है। उसको हमने यहाँ पे किया तो जहां जहां इसने ट्रू लिखा फॉल्स आया। अब यहाँ पे देखिए ट्रू जो है वो एक्सेल 1 इसको समझता है एंड फॉल्स को 0 समझता है। अब इसको अगर कोई बोलेगा कि नहीं यार मैं नहीं मानता, इसको वेरीफाई करो, तो कैसे वेरीफाई करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, 1 आया। अब मैं इसको ट्रू को नीचे कर दूं तो 2 आएगा, मतलब दो ट्रू, 2 बार लिखा 2 आया, जो 1 बार लिखा हुआ है तो 1 आया, इसका मतलब कि फॉल्स 0 है। तो यहां पे हम एक काम और करेंगे कि अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे फॉल्स से तो मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 41 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0,
जीरो आएगा, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जस्ट नंबर आएगा 65 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 65। तो हमने यहां पे छांट लिया अपनी कंडीशंस के हिसाब से क्वांटिटी को, एंड इसमें हम फिर वापस मल्टीप्लाई बाई 40 कर देते हैं। मैं 0 को 40 से करूंगा तो भी 40 ही आएगा। जीरो को 40 से करूंगा तो मैं आएगा, बाकी रिजल्ट आ जाएगा आपका। इंटरव्यू में मुझे सवाल पूछा था तो मैंने इसको बुला दिया, मुझसे पूछा गया सवाल है सर, और इसका सॉल्यूशन मैंने दिया था। ठीक है सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट दूसरा नंबर आते हैं। अब ये सिंपल है कि रिजल्ट निकालना है मुझे, इक्वल इफ में मैंने बोला कि अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे आ जाए पास। तो जब भी हम इफ फॉर्मूले में या किसी भी फॉर्मूले के अंदर में कोई टेक्स्ट आप डालते हैं तो हमेशा आप इन्वर्टेड कोमा में डालिएगा, ध्यान रखिएगा चीज को, पास अदरवाइज फेल। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कोमा में आप नहीं डालते हैं तो क्या समझेगा इसको, इसको समझेगा कि कोई सेल का एड्रेस है नहीं तो फॉर्मूला है। ठीक है, रिजल्ट आ गया आपके पास। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर एरिया ग्रेटर देन, सेम चीज है जैसे मैंने बताया पास और फेल वाला, एक बार और इसको रिफ्रेश कर देता हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है तो यहां पर आना चाहिए एसटीडी। अदरवाइज लोग का आप देख रहे हैं लास्ट का ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहा, वो अपने आप ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर देता है, सबसे लास्ट का ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कर देता है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर एमआरपी और टैक्स की कैलकुलेशन भी मैं कहने मतलब कि हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर में, इफ अगर एमआरपी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है तो इसका 12% होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इसका 5% होना चाहिए। इस तरह से आप अपने इफ में कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 आता है। अब यहां पे देखिए टाइम, यहां पे हमें क्या करना है कि रात के 10 बजे बाद की जो ड्यूटी है उसको हम ओवर टाइम करना चाहते हैं, राइट। तो यहां पे प्रॉब्लम है कि अगर मैं इफ लगाऊं और इसमें बोलूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसमें मैं 10 बजे का पीएम तो ही लिख सकता है, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में करूंगा तो ए इसको टाइम नहीं समझेगा, और ऐसे लिखूंगा तो फिर वो गलत बता देगा क्या। तो इसमें क्या करें, तो दो तरीका, एक तो किसी सेल पे आप लिख दीजिए
उसके बाद यहाँ पे आप देना चाहते हैं दे दीजिए कि ओटी या एनडी, ठीक है। ठीक है, और दूसरा कि नहीं मुझे यहाँ की सेल पे नहीं डालना है, मुझे फॉर्मूले के अंदर ही डालना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ना डाल के आप टाइम फॉर्मूले के अंदर में अपना टाइम डाल सकते हो। टाइम फॉर्मूले के अंदर में, टाइम फॉर्मूले के अंदर में जैसे कि 20,00,00 कर दिया, हो गया, समझ गए। तो रेफरेंस को सिलेक्ट करके उसको फ्रीज करके नीचे ड्रैग कर लीजिए या फिर टाइम के, नहीं मैं चुप हूँ। तो इस समझ में आइए सर, छठे नंबर क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। अब छठा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कंडीशंस ज्यादा है। अभी तक आपने एक इफ के साथ एक कंडीशन लगाया था ना, अभी हमें पास पांच इफ है, पांच कंडीशंस हैं। तो जो आपके पास एक से ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक एंड या और दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले का हम यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला कि इफ इसलिए माफ कीजिएगा एंड, यहाँ पे फिलहाल एंड लगेगा और नहीं, क्योंकि एंड लगता है वहां पे जहां पे हमारे कंडीशंस रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे कंडीशन हमारा रिक्वायर इस सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 33 होना चाहिए, इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड वापस इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो जितने भी कंडीशंस हैं ये कंडीशंस इसके अंदर आप डाल, राइट। जितने भी कंडीशंस हैं आप इसके अंदर डाल दीजिए, उसको एंटर मारिए, इसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब जहां ट्रू एंड फॉल्स है उसके जगह पर आप क्या करेंगे, पास फेल इफ की मदद से। इफ अगर एंड का रिजल्ट आपका ट्रू दे रहा है इक्वल टू, तो यहां पे आना चाहिए पास अदरवाइज फेल, ठीक है। एंड कब इस्तेमाल करेंगे, मोर देन वन कंडीशंस, जहां पे कंडीशंस हमारा रिक्वायर है वहां पे हम एंड यूज करेंगे। और कहां यूज करेंगे, अब चलिए और क्या कंडीशन बता देता हूं। जैसे यहां पे कि मुझे यहाँ हर किसी में वाई, मतलब मुझे यहाँ पे किसी की ज्वाइनिंग कंफर्म करनी, राइट। तो यहाँ पे सब में ए होना चाहिए, वाई जितने भी नंबर्स हैं उसमें वाई होना चाहिए, समझ गए। तो अब जरूरी नहीं है कि अब हर कोई मतलब कि अपना ये देगा ही देगा, मतलब हर कोई जो यहाँ पे आईडी अपना हर आईडी देगा, कोई पैन दे सकता है, कोई वोटर दे सकता है, कोई कुछ दे सकता है, कोई कुछ दे सकता है, क्या
तो यहाँ पे हम इफ के जगह पे मतलब और लगाएं, क्योंकि अगर एंड लगाया तो हर कोई कंपल्सरी हो जाएगा कि हर किसी में होना ही चाहिए, इसे यहाँ पे और लगाएंगे। इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई। तो ट्रू यहां पे देख रही है ना, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है। अब लेकिन क्वेश्चन यहां पर उठता है कि किसी एक में कंपल्सरी होना चाहिए, मतलब कि पैन नंबर इज कंपल्सरी। अब इनमें से कोई एक आ जाए तो ठीक है ना, मतलब दो आईडी प्रूफ चाहिए, पैन नंबर तो होना ही चाहिए और फिर तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हम इस एंड को डिलीट करेंगे और को, और इसके जगह पे एंड डालेंगे और पैन नंबर के बाद इसको और लगा देंगे। पर एंड के अंदर में दो कंडीशन होगी, एक और की कंडीशन होगी और दूसरी खुद की एक कंडीशन होगी जो पैन कैश हो, ठीक है। तो दो ट्रू मिलेंगे तो ट्रू दिखाएगा, ट्रू हो गया। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूं, आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम आपको एडवांस ही बताएंगे इसमें स्लैब वगैरह की कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, आप पूछिए। वीवीए वाली वो मैं देखी नहीं है सर, बताया था ना मैं, अपने होम टाउन था, मेरा कल बर्थडे था तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ देख, एक बार देख के मैं आपको, एक बार दोपहर में क्लासेस खत्म हो जाती है, देख के मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है।